प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महबूबनगर जिले के एक चुनावी अभियान बैठक में भाग लिया और चुनावी भाषण दिया। पीएम ने कहा कि मोदी गारंटी राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और विकास की गारंटी है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी दुनिया में भारत की साख बढ़ाने के लिए 3 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाने की गारंटी है। लेकिन ये पैसे कहां गया? ये पैसा करप्शन का एटीएम लगाकर पहले बीआरएस ने अपनी जेब भरी और अब कांग्रेस भी उसी तरह तेलंगाना को लूट रही है। फिर सारे वादे करके सरकार में आई थी, लेकिन सरकार बनते ही वो बीआरएस की फोटोकॉपी बन गई। बीआरएस ने जितना वर्षों में लूटा, कांग्रेस उतना भ्रष्टाचार कुछ महीनों में ही करना चाहती है। इंडस्ट्री की बात कहकर आई कांग्रेस ने यहां फेक वीडियो की मैन्युफैक्चरिंग की दुकान खोल ली है। कांग्रेस बीआरएस के कालेश्वरम स्कैम पर कलम तक हिलाने को तैयार नहीं है। जब से कांग्रेस आई, तेलंगाना में डबल आर टैक्स अलग से लग गया। दिल्ली तक में आप लोगों पर लगे डबल आर टैक्स की चर्चा हो रही है।